हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो मेरी जो पैकिंग है ऑलमोस्ट हो चुकी है, जो मुझे कूरियर निकालने हैं और एड्रेस वगैरह भी हो गए हैं। बस ट्रेपिंग वगैरह करके इनको निकालते हैं। और मैंने सर धोया है, लेकिन गीले बाल ना थोड़ा सा बहुत परेशान कर देते हैं। ड्रायर में करना नहीं चाहती क्योंकि बाल ख़राब ही होते हैं इन सब चीज़ों से। तो फिर खुला ही छोड़ा हुआ था, क्योंकि बांध लेते हैं तो सर में दर्द हो जाता है गीले बालों को बांध के। तो बस ये तो मेरा काम हो चुका है। अब काम शुरू हो गया है घर का। पहले कमरा वगैरह समेटा, झाड़ू पोछा हुआ, क्योंकि इस कमरे में थोड़ा सा उस टाइम पे हो जाता है पिनिया वगैरह, कचरा बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो वो सब होने के बाद फिर मैं जो है अभी खाना बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। दोपहर के यहाँ पे मैं टिंडे काट रही हूँ। टिंडे मेरे को तो बहुत पसंद है, आप में से कितने लोगों को पसंद है मुझे बताना। टिंडे, लौकी, तोरी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत कम लोगों को पसंद है, बहुत सारे लोगों को नहीं पसंद, मतलब बहुत सारे लोगों को पसंद है और बहुत सारे लोगों को नहीं पसंद है। जैसे मुझे टिंडे, लौकी, तोरी तीनों चीज़ बहुत पसंद है। मुझे भिंडी इतनी नहीं पसंद, लेकिन अब अच्छी लगने लगी है। अरबी भी मुझे कम पसंद है, लेकिन अब मैं खा लेती हूँ। लेकिन ये तीनों चीज़ ना मेरे को बहुत शौक से खाती हूँ मैं। रूखी खाती हूँ दही डाल करके। अभी मैं टिंडे को तड़का लगा रही हूँ। मैंने सौंफ डाल दिया था, हींग डाल दिया था, उसके बाद इसमें लंबे लंबे प्याज काट के डाल दिए हैं। और इनको जो है मैं भून लूँगी, नहीं सॉफ्ट होने तक करूँगी मैं इनको, ज़्यादा भूनूंगी नहीं। तो अभी ये देखिए सॉफ्ट हो गए हैं और मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूँगी। टमाटर बहुत अच्छे लगते हैं टिंडे की सब्ज़ी में। बाकी सबका अलग तरीका होता है, मैं सौंफ से छौंकती हूँ इसको। और अब इसमें मैं मसाले डाल दूंगी, और मसालों में वही चार मसाले रोज के: धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक। बस इतना काफ़ी है। और मिक्स करने के बाद इसको पका लूंगी अच्छे से। टमाटर से तेल अलग हो गया था, तो फिर मैंने इसमें टिंडे भी डाल दिए हैं। टिंडे बहुत अच्छे लेकर आए थे विपिन, बहुत कच्चे कच्चे से थे। पक्के जो टिंडे होते हैं ना, वो बहुत ही बेकार होते हैं, बनते ही नहीं है, बनाए नहीं जाते, छिलते कटते नहीं हैं वो। तो टिंडों को इनके साथ मिक्स कर दूंगी मसाले के साथ, और ढक करके छोड़ दूंगी पकने के लिए। जल्दी बन जाएंगे और बहुत ही थोड़े से हैं, क्योंकि मेरे और विपिन के लिए ही ये मैं बना रही हूँ। मैंने बना दिया है, मतलब सब्जी बना दी है टिंडे की। और बारिश हो ही रही है बाहर, बहुत ज़्यादा हो गई यार अब तो बारिश, तबड़ तबड़ कल से लगी पड़ी है। खिड़की मैंने इस कमरे की बंद नहीं की, क्योंकि छोंक वगैरह लगाते हैं ना तो फिर अंदर वो हो जाता है। हाँ, अगर धूप होती है दोपहरे में, जैसे गर्मी में दोपहर में मैं बंद कर देती हूँ, लेकिन अगर मौसम बरसात वाला है या सर्दियों का है तो मैं खुली रखती हूँ पूरा दिन। शाम को बंद कर दूँगी, कई बार शाम में भी खुली रह जाती है। और मैंने ना यहाँ पे सब्जी बनाई है टिंडे की, ये चलो बैक कैमरे से दिखाती हूँ। ठंडी भी हो गई है और कितना भी कम तेल डालूँ देखो ऑयली हो ही जाती है, पता नहीं क्यों हाथों में तेल है क्या मेरे। आपने भी देखा होगा कम ही तेल था, अब उससे कम तो क्या डालूँ। थोड़ी सी बनी है और इधर आटा लगा दिया है मैंने, आटा लगा के रख दिया है। सुबह बच्चों के टिफिन के लिए बनी थी पनीर की भुर्जी, वो भी थोड़ी सी रखी हुई है। और इधर खीरा, प्याज, टमाटर मैंने काट के रखा हुआ है। इसमें दही मिला दूंगी, रायता बनेगा आज ये वाला। चलो, दोपहर में दाल चावल भी बनाने वाली थी, लेकिन मम्मी से बात हुई खाना बनाते हुए ही टिंडे काटते हुए, तो मम्मी ने बताया आज एकादशी है, तो फिर मैंने कैंसिल कर दिए दाल चावल। दाल तो बनेगी अब, वो शाम में बनेगी, लेकिन चावल नहीं बनेंगे शाम में। अब कल ही बनाऊंगी चावल और फिर कुछ और बनाऊंगी चावल के साथ बढ़िया सा। तो अभी बैठती हूँ, आप लोगों के कमेंट्स पढ़ूंगी और देखूंगी क्या क्या लिखा है आप लोगों ने आज वाले वीडियो पे। बैठ के बच्चों का इंतज़ार करती हूँ, क्योंकि अभी उनके आने में टाइम है। देखिए अभी उनके आने में टाइम है, बच्चे आ गए हैं। हेलो बच्चों, बारिश में भिग्गी भिग्गी तो नहीं हुई स्कूल में? मेरा बच्चा बस यही क्वेश्चन करता है स्कूल से आते ही, मम्मी आज ट्यूशन जाऊं है, बस यही सुनना चाहता है। मम्मी ना बोल दे, कल छुट्टी करा दी थी ना संडे को, करा दी ना। इस भीग के बारिश में कैसे जाऊंगी मैं, छाते से जुड़ के आऊंगी। इस घर का बोझ हम ढोते हैं, सारी दुनिया को हम ये बता। इतने टमाटर भंडारा है क्या है? इतने लाल लाल टमाटर जिन्हें देख के मन कर गया कि चलो भैया सूप बनाए। अरबी 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 अरबी, इसे काटेगा और छीलेगा कौन? गुड।
फोन देख रहे हैं और अब मैं नहीं देख रहा, इसलिए तो मुझे खेलने के लिए दे भी नहीं। गुड्डू अब इसको दे फोन जल्दी, इसकी भी बारी आएगी। गुड्डू जल्दी दे, जल्दी जल्दी बेटा देख, गुड्डू फिर आ जाता है गुस्सा मम्मी को। दे 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 फटाफट दे दे अब। और अभी जो है आज तन्मय की छुट्टी हो चुकी है, तन्मय की छुट्टी हो चुकी है, विपिन का फोन आ रहा है। हेलो, हां जी पापा पूछेंगे कि हां जी उस पे पैर दबा दे फटाफट, पैर दबा जल्दी, ट्यूशन की छुट्टी भी हो गई। भाभी आई हैं और चाय पी रहे हैं। हेलो, कैसे हैं आप सब? अभी पियेंगे चाय, चाय पी लीजिए। हाँ। यही देख लो, क्योंकि अब पता नहीं कल भी ये व्लॉग डालेंगी कि नहीं डालेंगी। हाँ। इनका भी बस मैं छुट्टी मार दूँ। हाँ, एक दिन करके दो तीन दिन गायब, आज बनाया ही नहीं था। इनका ये रहता है, कंबल पड़ा है, मैं लेट गई थी, सो गई थी तो कंबल मंगा लिया था, ठंड लगी थी, कंबल रखे ही नहीं जा रहे। हाँ, एक मई हो गई, इन्हें खड़े कर देना तकियों को। विपिन भी आ चुके हैं, 8 बज चुके हैं, भाभी जा रही हैं। हम जा रहे हैं, बाय बाय। अरबी काटनी है। हाँ, अरबी कटवा ले, भाभी कहेंगी अरबी कटवा ले तू इससे, नाचो से पाला ही से। अब ये देखो काम करवा रही है। हाँ, तो मैं खुजली हो जाएगी। चलो भाभी को छोड़ के आते हैं, बाय बाय, गुड नाइट। मशीन लगवाएंगे कल तो। मैंने क्रीम भी खाऊंगी। उनको बैठा दिया है अरबी खिलने के लिए, क्योंकि ये मेरे से नहीं होता, मुझे बहुत गंदे वाली खारिश होती है, बहुत ज़्यादा। जितनी बार भी मैंने कोशिश की है कि चलो मैं करती हूँ, नहीं इनसे करवाती हूँ, लेकिन यार हर बार मेरे तो बहुत लाल लाल भी हो जाता है, और ऐसा होता है दोनों हाथों में भी शुरू, फिर मुझे पैर पर भी, गर्दन पर भी, ऐसे लगता है जैसे पूरे शरीर पर खारिश हो रही है। और ये विपिन की फेवरेट चीज़ है, इन्हें पसंद भी देखो क्या है। मैं खुद करता हूं। मेरी मम्मी ये वीडियो देख के मुझे 4 बातें सुनाने वाली है। तुझे शर्म नहीं आई? भी खाने मुझे ही है भाई। नहीं, फिर भी मैं फिर भी मेरी मम्मी बोलेंगी सबसे ज्यादा खाऊंगी मैं, कि तुझे शर्म नहीं आई बिल्कुल भी, ऊपर से वीडियो में दिखा रही थी। वीडियो का ये है, रियलिटी है भाई, ऐसा थोड़ी ये कट जाने के बाद मैं कहती या एक हाथ में लेके मैं कहती कि नहीं ये तो मैंने काटी है, ये तो झूठ होता, ये गलत होता। क्यों? अभी मैं ही काटता। तो ये हकीकत है, अभी मैं ही काटता। हमेशा आप ही काटते हो, मैंने कभी कोशिश मैंने नहीं की। कोशिश तो करी है, पर ये है कि मैं ही काट देता हूँ अधिकांश। मुझे तो भाई बहुत खारिश होती है, बाकी और कुछ नहीं करता मैं। नहीं, बाकी चाय बनाते हैं, चाय में ही बनाता हूँ, चाय यही बनाते हैं सुबह की, गुड मॉर्निंग। और अगर बाई चांस की मैगी बनने लगे, वैसे तो मैंने काफी दिनों से खाई नहीं ना विपिन मैगी, जैसे मैं पहले खाती थी, कम नहीं हो गई मेरी मैगी? मैच देख रहे हैं ये, इनको डिस्टरबेंस हो रहा होगा और अरबी काट रहे हैं। अब मैं जा रही हूँ दाल को तड़का लगाने और आटा गूंथने, क्योंकि आज के खाने में बनेगी पीली वाली दाल। सुबह बनी थी पनीर की भुर्जी दोपहर में टिंडे, अब दाल, कल रात बनी थी तोरी, खाना ही बन रहा है ना।
खाना खा लिया है और मैंने देखो यहाँ पूरी किचन समेट दी है, एकदम गैस चकाचक बढ़िया चमका दी है और बर्तन भी मैंने लगभग कर दिए हैं, दो एक छोड़े हैं। और अभी जो है निकलते हैं, इनके पास चलते हैं। मैंने अपने लिए गुड़ निकाला है, मैं गुड़ ले लेती हूँ अपने लिए। ये गुड़, मुझे मीठा खाने की ना होती है कुछ। ये उधर बैठे हुए हैं, मैंने किचन समेटा। हाँ जी, सोना नहीं है? कल तो आप 9:30 सो गए थे, आज थोड़ा लेट जाएंगे। क्यों? उठना, जरा गर्मी लग गई यार, काम करते करते वैसे नहीं लग रही। ये विपिन लेकर आए थे मेरे लिए, याद है आपको? टेडीज, पहले बहुत टेडी लाया मैंने, बहुत टेडी बियर लाए। हर बीवी के लिए आए होंगे शुरू के 2-4 साल ना, उसके बाद कोई टेडी पैडी नहीं। तो ये भी एक उनमें से ही है जो मेरे लिए आया था। और मैंने सबको बचा बचा के संभाल संभाल के रख रखा है तन्मय से, लेकिन फिर भी तन्मय कर देता है। जैसे ये कर दिया, यहाँ से दिल हटा दिया, इनके साथ ना ऑपरेशन करता है तन्मय इनके। और आज दाल रोटी खाई, विपिन को दाल के साथ चावल चाहिए, तो हमारे घर में कल भी चावल नहीं बने थे, छोले के साथ ही बने थे लास्ट टाइम चावल। हमारे घर में चावल हाँ बारीक वाली बनाई थी ना, मसूर वाली। हाँ जी, हाँ जी, आप कहिए, बात कीजिए सबसे। तो अभी जो है ना खाना वाना खाया है, अभी मुंह वगैरह धोऊंगी मैं अपना, और दूध वगैरह देखेंगे, आजकल ये लोग पी नहीं रहे हैं। और आज तो सुबह दूध आया भी नहीं था, आज दूध नहीं आया। बहुत छुट्टी हो रही है, 1 तारीख भी हो गई है, हिसाब करना है, कितनी सारी चीजें हो जाती है ना 1 तारीख को, कितनी जिम्मेदारी होती है ना। मैं बड़ों का फायदा बहुत होता है, ये चीजें हमें पता ही नहीं होती, बिजली का, दूध का, और बच्चों की फीस, ट्यूशन फीस, और हमने तो और भी चीजें जैसे बढ़ाई हुई है, कोरियर वाले का भी हिसाब करना होता है, महीने के लास्ट में करना होता है। कर देते आज, बहुत सारी चीजें होती हैं। लाइट कैसे हो रही है, ये ऑन ऑफ ऑन ऑफ। हाँ जी, फिर बताइए आप लोग कैसे हो, और सबने आज कमेंट में बोला रश्मि इग्नोर करो, ये करो वो करो। अच्छा लगा कमेंट्स पढ़ के, मुझे पता है आप सब लोग मुझे प्यार करते हो, हो जाता है कई बारी, ये भी यही बोलते हैं। टेंशन मत ले, मैं टेंशन नहीं लेती, हो जाती है ना। देखो एक ही चीज पढ़ रहे हो ना तो हो जाती है, कितना मैं भी इग्नोर ही करती हूँ, लेकिन एक ही लाइन एक ही वर्ड अब नहीं करूंगी, बोल दिया जो मुझे बोलना था, अब नहीं बोलूंगी, क्योंकि अगर वही चीज आती रहेगी तो मैं भी कब तक बोलती रहूंगी, ये मुझे भी पता है। मैं एक बार मन की बातें निकालना चाहती हूँ, बोलना चाहती हूँ, बस बोल दिया खत्म। और आप लोग भी तो मेरे अपने ही हो यार, तो फिर जब वो चीजें यहीं से उठती हैं तो फिर यहीं बोलनी पड़ती हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारे घर में होती है, इनके मेरे बीच में होती हैं, वो मैं यहाँ डिस्कस ही नहीं करती, क्योंकि वो इनकी मेरी हो रही है बात। तो हाँ मैं बोल देती हूँ, भाई आज विपिन से लड़ाई हुई, लड़ाई मतलब नाराजगी हो गई किसी भी चीज को लेकर। जैसे ये अभी लेटे हुए हैं यहाँ पे, मैं बोल दूँ चलो बाहर लॉक वॉक लगा दो, ये बोलेंगे लगा रहा हूँ, लगा दो, लगा रहा हूँ, लगा दो, लगा रहा हूँ यार एक ही चीज को। अब पता है क्या होता है ये चीज बार बार बोलने का मेरा, क्योंकि जब मैं आधे घंटे बाद इस कमरे में चेक करने आऊंगी ना तो ये सोए हुए होंगे यहाँ पे। इनकी आदत है टीवी फोन लेके आधे पौन घंटे में, ये मैं जब चेक करती हूँ, बहुत कम ऐसा होता है कि जगह मिले, अधिकतर ऐसा होता है कि फोन यूं गिर गया और ये सो रहे हैं। और विपिन से तो सब बहुत प्यार करते हैं। थैंक यू। वैसे विपिन के लिए आज तक कभी कोई नेगेटिव कमेंट नहीं आया, कभी भी। थैंक यू सभी का। कभी भी नहीं आया, मेरे बच्चों के लिए भी नहीं आया, और मेरे लिए तो ये है, देखो मैं ब्लॉग बनाती हूँ, सीधी सी बात है, मुझे भी पता है अगर हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर हैं जहाँ दुनिया हमें देख सकती है, और गाली हो या अशब्द हो या कुछ भी हो, वो यार भगवान को भी बोल देते हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं उनको भी बोल देते हैं, हीरो हीरोइनों को भी बोल देते हैं, सबको बोल देते हैं, लेकिन शायद उनके पास पढ़ने का वक्त ही नहीं होता है ना। हमारे पास है, कोई नहीं आने वाले टाइम में, मैं बहुत बिजी होने वाली हूँ, सुबह हम शायद कहीं का सोच भी रहे हैं, अगर बारिश ना हुई तो। बारिश है भी या नहीं भी, क्योंकि बारिश बता दो रखी थी 3 दिन की, अब वो ये है कि हो भी सकती है नहीं भी, अगर मौसम कहीं भी हो सकती है, मतलब बारिश ये नहीं यहाँ हो वहाँ ना हो, चेक कर लेना, सकता है वहाँ और यहाँ ना हो, चेक कर लेना ना,
निकलेंगे यार, फिर आजकल आजकल में बहुत टाइम हो रहा है, तो मुझे जाना है अपने स्टॉक के लिए। मिलेगा नहीं मिलेगा कह नहीं सकते, क्योंकि बहुत बार होता है ऐसा कि हम गए, जैसे हम पिछली बार दिल्ली गए थे, हमें कुछ मिला ही नहीं, प्राइस इतने हाई थे समझ ही नहीं आ रहा था। बहुत बार लोग पूछते हैं कमेंट करके, रश्मि तुम कहाँ से माल ला रही हो बता दो यार। आज तक हमें एक जगह नहीं मिली जहाँ से हम परमानेंट बोल दे कि ला रहे हैं। कितनी जगह है, पिछली बार हम दिल्ली गए थे जब जनवरी में, हम कितना घूम के आए, चांदनी चौक आपने वो ब्लॉग भी देखा होगा, मजा आया। वहां से हम चार पीस भी लेकर आए हूँ एक सेट, क्योंकि मिला ही नहीं, प्राइस बहुत हाई थी। तेजू फैशन भी है दिल्ली में, वहां तक भी गए, हमें नहीं समझ आया। लिया है मैंने चांदनी चौक से, लेकिन प्राइस भी तो कम। आप देखो अब क्या हो गया ना, हम इस काम को करते हुए 3 साल हो जाएंगे 2020 से, है ना, तो अब हमें थोड़ी नॉलेज हो गई है, अब हमें भी पता चल गया है कि ये चीज कितने की होगी होलसेल में। अब यार रिटेल वाले रेट मिलेंगे लोगों को, बाहर उसी चीज में मिल रही है, तो फिर हम क्या करेंगे ना, मन ही नहीं मानता, या फिर बंदा ले लेगा वहां से, कुछ तो फायदा होना चाहिए ना अगर रश्मि कलेक्शन से शॉपिंग कर रहा है। ज्यादा नहीं तो 200 रुपए का फायदा तो होना चाहिए ना, बंदा कोरियर चार्ज भी निकाले तो ये लगे मार्केट में उसको सूट देखने के बाद, यार चलो रश्मि से 200 रुपए सस्ता तो सूट मिला। सही, ये कोशिश रहती है। वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ कि कम से कम आपको 500-600 सस्ता मिले यहाँ पे, और चीज भी वही, और मिलता भी है, लोग बोलते भी है। तो ये चीजें हैं, और बिजनेस का पूछते हैं लोग, वैसे मैं डिटेल में बता चुकी हूँ, और यूट्यूब का भी पूछते हैं सब लोग कि कैसे करें, क्या करें, क्या करना चाहिए। तो देखो कुछ लोग बोलते हैं रश्मि आप हमें सजेस्ट कर दो हमें क्या करना चाहिए, तो मैं कैसे बता दूं आपको क्या करना चाहिए ना, वो आपको देखना पड़ेगा आप क्या करना चाहते हो। मैंने भी बहुत सारी चीजें सोची थी, मैंने पार्लर तक सोचा था, मैंने वहां लखनवाला दुकान की बात कर ली थी, वहां कपड़े का सोचा था, बच्चों के कपड़ों का, तो बहुत सारी चीजें मैंने सोची थी। नहीं ये नहीं जाने देते थे ना, ये नहीं जाने देते थे, मैं मुंह पे बोल रही हूँ, बेशक मेरे को देख रहे हैं कि और ऐसे क्यों बोल रही है कि मैं नहीं जाते, इन्होंने कभी जाने नहीं दिया, बोला ही नहीं कि भाई तुम जाओ, ऐसा नहीं है। कुछ ना कुछ कमियां तो सब में होती है, मुझ में भी है तो इनमें भी है, सब में भी। तो इन्होंने मेरे को ये नहीं कहा कि तुम जाओ, इन्होंने बोला क्या करेगी, किस चीज की कमी आ रही है, क्या चाहिए तेरे को, क्या करेगी, बच्चों को कौन देखेगा, घर को कौन देखेगा, पूरा दिन मारी मारी फिरेगी, तो ये चीजें करके इन्होंने मुझे रोक दिया था। अब YouTube का क्या हुआ था कि मैंने इनकी आईडी पे पहला वीडियो डाला था, आपकी आईडी पे डाला था पहला वीडियो, मुझे पता नहीं था क्योंकि क्या करना होता है, तो मैंने इनको बोला सुनो मैंने वीडियो डाल दिया, फिर ये कहने लगे अच्छा चलो ठीक है। तो इन्होंने देखा यार तूने मेरी आईडी पे डाल दिया है, अब मेरे फोन में मेरी आईडी नहीं थी, मेरी चल रही थी, इनकी चलाती थी मैं मेरे फोन में। फिर इन्होंने उसी रात को जो है मेरी आईडी बनाई, नाम कुछ और था पहले, इंडियन ब्लॉगर रश्मि था शायद, फिर उसके बाद एक महीने बाद चेंज किया था। तो फिर क्या हुआ, जब मैंने अपने चैनल पे वीडियो डाला जो मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो था, फिर वो था उस पर पहला, वरना हम जुड्डो गए थे घूमने के लिए, वो गया था इनकी आईडी पे, और वो फिर मैंने अपने पे भी डाला था, फिर मैंने अपना इंट्रोडक्शन वीडियो दिया था, जो कि सच में आज मैं देखती हूँ तो मैं खुद भी हंसती हूँ यार काफी इम्प्रूवमेंट हो जाता है कोई भी चीज करते 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 करते। तो फिर इन्होंने, इनको लगा यार ये चुप होके बैठ जाएगी, वरना इसको लगा ही रहेगा मैं ये कर लूँ मैं वो कर लूँ मैं ये कर लूँ, होता ही है ना। तो फिर इन्होंने बोला, मैंने कहा मैंने डाल दी, कह रहे ठीक है तुमने डाल दी ठीक है, पर एक चीज जो आज तक है, विपिन ने कभी मेरा वीडियो शेयर नहीं किया, कभी मेरा वीडियो शेयर नहीं किया, ना अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे किया, ना अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में किया, ना अपनी फेसबुक आईडी पे किया आज तक। अब जाके मार्च में मेरा पहला वीडियो इन्होंने एक शेयर किया। क्यों किया मैं बताती हूँ, क्योंकि इन्होंने देखा भाई इनके भाई भी अपनी वाइफ के वीडियो शेयर कर रहे हैं, तो इनको अंदर से लगा यार मैंने नहीं किया, मैंने कहा बस अब देख के क्यों कर रहे हो, इनको फील हुआ यार ये चीज मैंने नहीं की थी भैया, मैंने इसको सपोर्ट किया। और सच बताऊं मैंने कभी उस चीज के ऊपर इनसे लड़ाई नहीं की कि आपको करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे इतना पता था, ये भी बोलते थे देख तुझे ना लोगों को बुलाने के लिए चीजें करनी पड़ेंगी, काम करना पड़ेगा, ये बोलते थे मेरे दो, मैंने इनको जैसे बोला यार डाल दो कुछ सब्सक्राइबर आ जाएंगे कि आ जाएंगे लेकिन तेरे को देखेंगे नहीं, क्योंकि मेरे दोस्त तुझे देख के क्या करेंगे, और आज इनके दोस्त की वाइफ मुझे देखती है बगैर बताए।
पर मैंने उस दिन देखा है शेयर कर रखी है आज अप्रैल या मार्च, ये मुझे लगता है अप्रैल महीना की उसमें मार्च में फरवरी में, हाँ मतलब अब की थी इन्होंने, चार पांच साल हो जाएंगे। तो चलो होता है, देखकर बंदे को लगता है यार ये चीज मैंने अपनी रिंकी के लिए नहीं की। अरे ये खुश होते हैं, खैर कभी कभी मुझे बोलते हैं और कहते हैं यार तूने बहुत मेहनत करती है, और जब ये लाइन ये बोलते हैं ना तो मुझे बड़ा सुकून मिलता है। मेहनत तो बहुत करती है, पता है मेरा ना घर की चीजों में बहुत कुछ मन करता है करने का, मैं ये करूँ, सिलाई मशीन ली है कि मैं ये करूंगी वो करूंगी, टाइम ही नहीं मिल रहा बताओ से। सिलाई मशीन कह रहे थे ठीक हो रही है अभी के लिए, अच्छा मतलब रमा होगी ना अभी, हाँ देख लेना आप। तो भाई अच्छा लगता है सुन के, मेरी मम्मी बोलती है मुझे कि भाई हमें अच्छा लगता है तो ये बोलते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, आप लोगों को भी अच्छा लगता होगा। रश्मि को यहाँ देखकर, 2018 वाली रश्मि और 2023 वाली रश्मि, ये चीज मैं भी थोड़ा सा अच्छे से बोलती कि हाँ यार मैं भी एक बिजनेस वूमैन भी हूँ, यूट्यूबर भी हूँ, भले ही बहुत सारे पहली बात तो यहाँ तक आना 4 साल तक छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है यहाँ तक आना। मैंने बहुत सारी, आप लोग पता है मैं इसीलिए नहीं बैठती वीडियो का एंड करने के लिए या बीच में, क्योंकि फिर मैं आपसे 11-12 मिनट बात कर लेती हूँ, और ये बातें ऐसी है मैं इसमें एडिटिंग भी करूँगी ना, एडिटिंग भी नहीं मिलती। तो क्या आप लोगों को भी रश्मि, वैसे सब लोग बोलते हैं रश्मि तुम बहुत मेहनत करती हो, बहुत स्ट्रांग हो, बहुत पकाती हो, बहुत बोलती हो, मतलब बोलोगे यार बहुत पका दिया, अच्छा लगता है जब बातें छिड़ती हैं, जिक्र होता है आ जाती हैं बातें। और हमारे लिए दो शब्द कहेंगे आप? बहुत खतरनाक है, मेहनती है भी, बहुत मेहनती। खतरनाक भी हूँ यार, मेरा गुस्सा बहुत गंदे वाला है, मेरा गुस्सा बहुत गंदा है, मैं क्यों इस चीज को वो करूँ। हम दोनों की जो वो एक वो है ना गुस्सा, वो टकराता है जब, खतरनाक वाला वो जब टकराता है तो वो विस्फोट ये बोलते हैं अच्छा हुआ तू बिजी हो गई यार, कलेश खत्म हो गए। अब टाइम होता है बंदे का तो बंदा चीजें निकालता है, नहीं बात तो है, बिजी होता है आदमी तो बहुत कुछ है, छोटी मोटी लड़ाई तो खत्म हो जाती है। अब 2 साल से इनको भी टाइम मिलने लगा, जब तक मैं कुछ नहीं करती थी तब तक इन्हें भी टाइम नहीं होता था, हाँ जब शादी हुई थी तब भी इनको टाइम होता था क्योंकि ये फील्ड में काम करते थे और इनको हर संडे की भी छुट्टी होती थी तो तब भी ये टाइम देते थे, लेकिन जब इनका इधर की साइड हो गया था देहरादून से विकास नगर तो फिर टाइम मिलना बंद हो गया था, तो फिर बहुत वो हो गई थी दिक्कत। लेकिन अभी पिछले 2 सालों से इनका फिर से चेंज हो गया है रूटीन, दूसरा इन्होंने ये जॉब कर रहे हैं लेकिन क्योंकि ये उस जॉब को छोड़ नहीं सकते, जुड़े हुए हैं उससे, बाकी अपना काम हो रखा है इनका तो बस काम। हाँ तो ये इनको ये रहता है मैं जॉब नहीं छोड़ सकता, मैं इसके साथ ही मैनेज करूंगा जब तक हो रहा है, जब नहीं होगा तब देखूंगा। और सारी आप लोगों से बातचीत कर ली, मजा आता है मुझे आप लोगों से बात करके, दिल हल्का हो जाता है मेरा, मैं अपने मन की सारी बातें कर लेती हूँ कई बारी, बहुत सारी चीजें हैं देखो, खैर मैं ये भी नहीं कहूंगी, बहुत सारी चीजें होती हैं जो नहीं भी कर पाते। चलो जी विपिन जी को आ गए जम्बाई, वीडियो का करते हैं यहीं पर एंड, गुड नाइट। क्या कहना चाहेंगे आप, वीडियो को लाइक करने के लिए बोल दो, वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट और इसे हमें तो प्यार देना, सब देते हैं वो तो गुस्सा तो कहीं और ही निकालते हैं कोई बात नहीं आप निकालिए, मुझे भी निकालना था अपनी बात क्योंकि मैं अंदर रखती, अंदर रखने से क्या होता है ना आप भर से जाते हो जब तक आप वो चीज निकालो ना, और वो चीज मैं अब यहाँ निकालना चाह रही थी तो मैंने निकाल दी, अब कोई बोले जो भी बोले बोलते रहो। अब हम जाएंगे थोड़ी सी वॉक करने के लिए दोनों पति पत्नी, ठंडा हो रहा बहुत, बहुत पानी पानी हो रहा हर जगह, बहाने हैं इनके बहाने। पानी पानी, चलो जी बाय बाय, इतना ही पूरा व्लॉग होगा और इतनी ही लास्ट में ये बातें करनी है, मुझे एडिट करना पड़ेगा या तो इन बातों को एडिट करना पड़ेगा या फिर स्टार्टिंग, वैसे आप लोगों को इस तरह से जब मैं और विपिन बैठते हैं बातें करते हैं अच्छी लगती है तो देखती हूँ, कोशिश करती हूँ। बाय बाय, गुड नाइट, 14 मिनट हो चुके हैं, बाय।